तेन असि सारे पाठ के कुछ ना ना शाम हो गई और मैं बैठा हैगा छत व्लॉग एडिट कर रहा सी क्योंकि थले बच्चे जो है काफ़ी शोर शराबा करते और एक उन्होंने फुटबॉल मिले होया तो अंदर ने जो खेल रहे तो बड़ा तंग कर रहा सी। फिर मैं उत्ते आके जो व्लॉग एडिट किया और नाल जी चाय पीती और थले अबू जोड़ा अज बोइल कर रहा आलू जोड़ा है ना मेरे ख्याल उन्हें पाई आलू लैन दिया चाचा मेरा जोड़ा है ना उन्हें गड्ढे हुए ने अपने आलू तो उधरों मेरे ख्याल उन्हें लै आए और बोइल कर रहा कह रहा खाने ने मैनू अज ना आलू खावे वेखने किस तरह के लगते हैं। और बेगम साहबा सुबह दे हाले तक जिहड़े ना कपड़े धोई जा रही कपड़े धोई जा रही है असल च ना इन्हू आसानी हुई खड़ी आ क्योंकि मशीन वगैरह ही उत्थे नाल ही पई आ मशीन दे विच पांदी आ मिंट ला के जिहड़ा धो लैंदी आ हुण तां फायदा उठाया हाँ लैणा लगियां पईआं ने सारे जितने घर दे कपड़े हैगे सी सारे धो दित्ते ने आलू हो रहे ने जी ए हाले बोइल अग ही थले मुझी पई है और अब्दुल वहाब इत्थे दादी को खेडदा पिआ की करां इन्हू उल्ली आ की करां फड़ लैनू फड़ ला फाड़ ला फाड़ ला और अबू मेरा ख्याल है बाहर जेड़े है ना तंदूर ते कोई गाहक वगैरह आए ने उन्होंने तंदूर दे रहे रक्षा वगैरह जेड़ा है ना अपने आप लैन दा नाल वेखने आ केड़ा विकदा है अंदर आ जाओ चलो आगे जेड़ी है ना मुझी पई सी बिल्कुल तंदूर जेड़ा है ना रक्षे में लोड कर दिता तंदूर सेल जेड़े है ना काफ़ी सारे हो रहे लेकिन बन नहीं रहे अज माशाल्लाह तीन जेड़े है ना वड्डे विके हूँ एक ही रह गया बस अब्बू और तो पिछले जेड़े है ना भाई और पे ने भाई जाज नहीं है उन्होंने आ दो वड्डे पे ने हूँ सुबह जोड़ा है ना मिट्टी वगैरह कुटांगे वाहवा सारे बना के रख लें अब्बू जी जोड़ा है ना तंदूर वेच के आ रहे हैं कितने के दिते इन्ने हाँ नहीं बड़े झीड़े 1500 बड़ा सस्ता बेचे ही वैसे चलो कोई नहीं रोला मिट्टी है तेरे आलू भी उबड़े पे नहीं कई नंदे भी ला जाने ने ला जाओ तो ही मैं की करने ने मन देने अम्मा ला ला आमना फाद ला वो ही पहने मैं ताना के थोड़े जी और बेड़ ला मैंने थोड़े जी और बाढ़ ले आ मारी अगे मैं सोटी जी कच्चे ने थोड़े जी हाले उत्ते रख दे लै जी आलू पक गए ने ते आलू जी वंडे जा रहे ने तू आप दे लै नहीं लै लै ले निकलो घर लै बा भी लै ले तू भी लै ले लै लै बा अरमानी दे वेच पाल अरमानी दे लै जा इन छे ला के लून ला के खाओ जाके लून लै नु मंदा लून होड़ लैना नहीं बस मैं इको खासा पैर आम दे विच गरम रख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल सारे बड़े भाइयों के अलहमदुल्ला मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक और मैं दुआ करना साढ़े वेखने वाले भैया भाई हमेशा हंसते वसते रहो और ठीक ठाक रहो और तन्ना मैं एक गल दसा सरप्राइज गल बेगम साहब मैं कताब बना रही है दबड़ा जेड़ा अगले दिन बना रही सी हुण दस तू की दसा अगले दिन ना मैनू कह रहा सी कि ऐला दाबड़ा जिहड़ा ना ऐ थल्ले वाली थड़ी बना रही सी ना इस जगह ते ते मैनू कहा सी ऐ तू जिहड़ा है ना बरीक बना रही आ आई समझ ते इन्ने कहा नहीं नहीं ठीक आ ठीक आ ठीक आ वेख हुण जिहड़ा दुबारा मिट्टी ला के फिर वो जिहड़ा है ना मोटा कर लिया उदों मैं तैनूं कहा सी इहनूं मजबूत बना ला फायदा नहीं आ मैनूं पता है ना मैं बनांदा रहना तैनूं इस चीज़ का पता ए भी हूँ मोटा बना भी कम अज कम एक इंची सही बनेगा नहीं तो टुट जाएगा इनका फिर फायदा कोई नहीं होना हाँ मन से तो चंगी रस है क्योंकि मैं ना इस तरह की जी चीज़ है ना काफ़ी सारिया बनाता रहना तंदूर वगैरह भी मैं बना लैंना
शादी तो पहले जिहड़ा हैगा ना मैं एक्सपर्ट हैगा सी इन्हां सारियां चीज़ां दे विच, क्योंकि साडा कारोबार भी ज़्यादातर इहो हैगा सी, तंदूरां दा इहो सी काम करदे सी। ते शादी तो बाद जिहड़ा हैगा ना इहनूं वल सिखाया, इहनूं पहले वल कोई नहीं आंदा सी, मैं पुराना मास्टर हाँ, ये नवी नवी मास्टर है। और मैं इहनूं कहा सी मैं कहा इस तरह बना लेकिन इहने गल मन्नी कोई नहीं, ते उही आ गल होई। असल ते होया की आ, इहने ना पट्टण लग्या ना, उह हैगा सी बहुत बरीक, ते पट्टण लग्या ना थले लिंबिया सी ते उह टुट गया इत्थे खड़ा खड़ा ही टुट गया। फिर दोबारा फिर इहने जिहड़ा है ना उत्तों बना के मोटे करके फिर दोबारा लिंबिया, तो टुटना ही आ बरीक बड़ा सी, वो तो इवें समझ ला कि बरीक इन्हें रख दिता सी कि जमीन उनकी लिपाई हो गई, तो और जमीन के नाल ना थले सैड सैड अटैच हो गया जम गए। फिर दातरिया दूतरिया ने मसा ने पटिया, फायदा कोई नहीं होया। रस्सी नाल ना हिट मार के ते छिकया भी उंदे नाल पट्टी हो सी, ओ तो पट्टी वाले दे बजाय बज गया, तो बजना ही आ। मुड़ मैं आख्या मैं कहो इन्ना इन्नी मेहनत भी की ते फिर दोबारा जेड़ा ना बनाना पिया, फायदा कोई मोटा होना तो इन जो जितना बनया पैना इस भी मोटा होना चाहिए, बड़ा ठीक है कोई नहीं मसला ही नहीं। हूँ इन जो है ना तकड़ा बनावी, क्योंकि ये थले बठल रखे हुआ ना, वो ना बठल के बिचू कढ़न लग्या ना फिर टुट जाएगा बरीक, क्योंकि मिट्टी है जिनी मर्जी जी है ना मजबूत लगेगी सही रहेगी, जेकर बरीक लगेगी तो बिचू बठल कढ़न लग्या ना इन टुटेगा नहीं ना, तो फिर भी तिड़क जी आ जाएगी, वह फिर डैमेज हो जाता, फिर ज़्यादा दिन नहीं कटदा नहीं। बेगम साहबा ने घर में जोड़ा ना धोबी घाट बना दिता कपड़े ही कपड़े पैने सारे, बेगम साहबा चूल्हा बना के वेली वुली हुई है हूँ, तो मंजिया बार एक उद मैं गार्डन ची रख के देनी है, उत्थे चलो मैं आपे रख लेना तू बहर कट दे। और लैबा सुबह सुबह जोड़ा है ना पींक बना के जूटे लै रही है, आमना स्कूल चली जाती है, तो लैबा जी ना ये नहीं स्कूल जाती, इन जो है ना मैं फड़ के कुटना है, हूँ कुटना है ना है बुखार है तेनों बुखार नहीं है तेरे सारा बुखार लै जाएगा, इन सुबह जेड़ा ना नाल स्कूल भेजना है, ठीक है ना तेरा बुखार लै जा सी हूँ खगन लग गई वेख्या कहती मैं बुखार। हाँ जी हाँ की गल है की शाय है हाँ हाँ ही हो गई की शाय बस इथे रख इथे रख मैं उधर ले जाऊं परली हां ओ निक्की ना चार सौके जैसे ये वड्डी ठीक। मैं चलया जी अपनी मंजी लेके गार्डन विच ते बेगम साहब उन्नी देर तक नाश्ता बना ले मेरा, चलो ठीक नाश्ता बना नाश्ता जेड़ा नकार के ते आज शहर भी जाना है, मैं कोशिश करने हां के टाइम ना निकल जावांगी, क्योंकि इतने जी दुख से मंजी पाई दी और नाश्ता भी सुबह इतने बैठ के मेरी जी ना रूटीन चेंज हो चुकी आ, पहले अंदर बैठ के करता सी चूल्हे ते हाँ हूँ गार्डन बैठ के जड़ा ना करना, क्योंकि इधरों दरवाजा वगैरह निकल आया और सूरज की रोशनी सुबह सुबह बड़ी जबरदस्त होंगी है, पानी लिया दे हाँ लिया के दे इतने जरा आराम सुकून बैठ के, एक तो मक्खियां वगैरह नहीं होंगे बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, पानी भी आ गया जी यस रोटी खा लो मैं चाली मैं लैके अंडा बनाया ना बिच ठीक है बड़ी मेहरबानी। अज साडे ना मुक गए सी वो ब्रैड जे, और मैं सोच रहा सुबह जो है दुकान पर जाके नवे लै आवे, क्योंकि मज़ेदार होंगे लगता सी नाश्ता सुबह सुबह, और बच्चे भी जो है ना बड़ा शौक ना खा के स्कूल जाते, और अज बच्चे पूछ रहे थे मम्मी जो है ना ब्रैड खत्म हो गए ने, तो एक दो पै गए सी, फिर वो एक एक जो है ना बच्चों ने उन्हें बना के बेगम साहब ने दे दिता, और मेरा दिल भी कर रहा, क्योंकि सुबह सुबह रोटी जी है ना अच्छी तो लगती है, मैंने रोटी भी लेकर रोटी भी खाया करा और नाल जो है ना ब्रैड भी एक दो लै लिया करा। अब्दुल वहाब दे रहा झाड़ू ना टुट ज सही ना कर इन तक सोटी सुटी होंगी तेने तोड़ ही देना सी हूँ तक माँ की रीस कर रहा वह भी झाड़ू दे रही है वे है वे है वे ब्लाग जी खत्म करने ते नेक्स्ट ब्लाग जगा बड़ा सरप्राइज हैगा और दूसरे चैनल से अपलोड करांगे पाक विलेज फैमिली ते बनाना बेगम साहब की काफ़ी सारिया जी रिक्वायरमेंट और जो फरमाइशा है जीडिया अभी पूरी करनी ने ढेर सारिया शॉपिंग काफ़ी सारी है छोटी छोटी सस्ती सस्ती
मसलन एक एक फी पीस 50 रुपए का 40 रुपए का 100 रुपए का जरा इस हिसाब न चीज़ा जीडिया ना काफ़ी सारिया लैनिया घर की जरूरत दी है ने काफ़ी दिन सोच रहा है लेकिन अज मैं सोच रहा कि कुछ अस्तु शहरों लैमने कुछ साहिवाल उधर सिटी जाके लवेंगे क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ा है ने जड़िया व्डिया महंगा ने वो अगर शहर च लवेंगे ना तो इतों का तो उतों का तकरीबन 3 गुना फर्क हैगा उतों 2000 की मिलेगी तो इतों जी है 3000 की मिलनी है पैसे जी है बचत तो बचा भी उन्होंने वास्ते जरूरी शहर जाना और बेगम साहबा चिप्सा लवा के फस गई है रोज़ जो है इन्होंने धोना पैंता हूँ तो देव जल्द इंशाला नैक्सट ब्लॉग में मुलाकात होगी मैं दुआ करना वेख जिन्नी की भैन भाई ने खुश रहो बाद हमेशा वास्ते वसते रहो तो इस इजाजत खुदा हाफिज़ अल्लाह निगेबान और जोड़ा है ना धोपी पछाड़ कर रहा है अब्दुल वहाब सारिया की बाजी पिछे लग्या फिर बेगम ने कुटिया मैंने भी कुटिया तू बंदा मान जा तेनों असी सारे पढ़ के कुटना ना ना ना।